नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। सबसे बड़े अवार्ड शो आईफा 2022 में बॉलीवुड सितारों ने अपने शानदार लुक से धमाल मचाया। आईफा अवार्ड इस बार अबू धाबी में आयोजित किया गया। अवार्ड शो में बॉलीवुड दीवाज एक से बढ़कर एक स्टनिंग लुक में नजर आ रही हैं। इस इवेंट में बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय भी अपने पति अभिषेक बच्चन संग पहुंची, लेकिन लगता है कि फैंस को ऐश्वर्या का लुक कुछ खासा पसंद नहीं आया। आईफा अवार्ड 2022 से ऐश्वर्या और अभिषेक का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आईफा 2022 अवार्ड सेरेमनी में ऐश्वर्या ब्लैक ड्रेस पहनकर पहुंची। प्लेन ब्लैक गाउन संग एक्ट्रेस ने फ्रंट ओपन लॉन्ग जैकेट कैरी की, जिस पर गोल्डन और मल्टी कलर की फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी हुई है। ऐश्वर्या ने अपने इस लुक को मिडिल पार्टेड ओपन हेयर के साथ कंप्लीट किया। मेकअप की बात करें तो ऐश्वर्या ने रेड लिपस्टिक और आईलाइनर लगाकर अपने लुक को खास बनाने की कोशिश की, लेकिन यूजर्स को एक्ट्रेस का लुक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कई लोग ऐश्वर्या को उनके इस लुक पर ट्रोल भी कर रहे हैं। कई यूजर्स तो ऐश्वर्या को याद दिला रहे हैं कि ये अवतार पार्टी नहीं आईफा है। वहीं कई यूजर्स को एक्ट्रेस का लुक डरावना लग रहा है। एक यूजर ने लिखा कि खराब ड्रेस, डरावना हेयर स्टाइल, हर बार एक ही जैसा लुक। तो वहीं एक ने लिखा, ये इफ्तार 2022 नहीं बल्कि आईफा अवार्ड 2022 है। एक यूजर ने लिखा, फिर वही रेड लिपस्टिक, सेम हेयर स्टाइल और खतरनाक मेकअप। वहीं कुछ लोगों को ऐश्वर्या का ये लुक पसंद भी आया है। तो आपको ऐश्वर्या का ये लुक कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।